यहाँ तो बहुत ही बड़ा पूजा होने वाला है। वो देखो एक रेलगाड़ी जैसा बन रहा है और ये झूला तैयारी हो रहा है। तो अभी और आगे चलते हैं। मेरा एक हमशक्ल का आदमी यहाँ पे मिला है, पूरा डिटो टू कॉपी, पूरा हमशक्ल है मेरा। आप देखिएगा, मैं आपको लगा दूंगा किसी तरफ वीडियो में पूरा। सो हे गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज, आपने अगले वीडियो में देखा होगा कि हमने अनुगुल का लक्ष्मी पूजा आपको दिखाया था। तो फाइनली मैं अभी पहुंच गया हूँ ढेंकानाल, और मैं अभी आपको दिखाऊंगा ढेंकानाल में किस तरह लक्ष्मी पूजा की तैयारी किया हुआ है। सो ये देखो, मैं अभी यहाँ से ढेंकानाल एंट्री करने वाला हूँ बस स्टैंड के तरफ, और ये सामने में रहा NH 55, और मैं आया हूँ अभी सीधा 7 माइल के रोड के तरफ से। और 7 माइल के तरफ ना बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा था, तो बारिश हम लोग भीग गए, और इधर नहीं हो रहा है बारिश, बट इधर भी थोड़ा थोड़ा अभी स्टार्ट हो गया है। सो देर ना करते हुए और वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कैसा कैसा पंडाल बना हुआ है। तो मेन जो पंडाल है, मैं उसी को आपको दिखाऊंगा। और ऐसे छोटा मोटा तो पूरा ढेंकानाल में पूजा हो रहा है, अनुगुल से भी ज़्यादा बड़ा यहाँ पे होता है, मुझे मैं ऐसा सुना हूँ, बट आपको दिखाता हूँ क्या वहाँ से बड़ा यहाँ पे होता है या नहीं, और कैसा कैसा हुआ है पंडाल, सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ वीडियो में। सो वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक, साथ ही एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर। NH से पूरा सजा हुआ है मार्केट ढेंकानाल का, और कोई सा बड़ा मुझे कोई पंडाल दिखा नहीं है, जो भी दिखा है ना अभी तक लाइट का ही पंडाल दिखा हुआ है। देखो अभी इसमें भी काम चल रहा है, इधर भी काम खत्म हुआ नहीं अभी, और थोड़ा ही दूर आया हूँ NH से, और यहाँ पे दिखाता हूँ कितना बड़ा अभी मेला लगने का तैयारी हो रहा है। तो ये देखो बड़ा बड़ा झूला सब लग रहा है अभी, और ये इसमें घूमने वाला झूला है, बैठ के घूमेंगे। और भी मैं आपको दिखाता हूँ, देख लो यहाँ तो बहुत ही बड़ा पूजा होने वाला है। वो देखो एक रेलगाड़ी जैसा बन रहा है, और ये झूला तैयारी हो रहा है, और देखो अभी मार्केट भी यहाँ पर लगा हुआ है, और इसको रथोगड़ा मार्केट बोलता है। तो अभी हम और आगे जाएंगे बस स्टैंड की तरफ, आपको दिखाते जाता हूँ मेन चीज़ कहाँ पे क्या होने वाला है, और इसका भी काम में भी चल ही रहा है, हो जाएगा लग रहा है आज से कल तक में पूरा हो जाएगा, वो देखो। तो चलो और आगे, तो अभी और आगे चलते हैं, और यहाँ से देखो एक गेट दिख रहा है बहुत ही बड़ा सा, जो मस्त लग रहा है, चलो आगे मैं दिखाता हूँ आपको। तो भाई देखो, फाइनली मैं अभी आ गया उस गेट के पास, और देखो कितना शानदार गेट बना हुआ है। और मैं आपको बताता हूँ, ये गेट जो है ना पूरा जो ये बांस का होता है ना, उसको चीर चीर के सब बनाया गया है, जैसे देख सकते हैं वो कुला और एक जो ओम सब लिखा हुआ है, वो एक डलिया की तरफ से तरह का है। और वहाँ पे ऊपर में देखो एक फूल का जो दानी होता है ना, वो फूल दानी से सजाया गया है ऊपर में, मस्त बनाया है यार, जो भी बोलो। यहाँ पे एक फ़ोटो लेते हैं पहले। तो भाई देखो, मैं अभी अपोजिट साइड में आ गया हूँ, और इस साइड में देखो यहाँ पे पूजा हो रहा है, एक लक्ष्मी पूजा। देखो किस तरह से बांस को जो जाली सब होता है ना, बांस का जो जाली बनाता है, उससे सब बना हुआ है पंडाल, देखने में मस्त लग रहा है यार। ऐसा अनुगुल में भी नहीं हुआ है एक भी पंडाल जैसे यहाँ पे हुआ है। फाइनली मैं अभी आ गया हूँ ब्रिज के ऊपर, और ये जो रास्ता है ना, ये थोड़ा सा आगे जाने के बाद और हम राइट टर्न लेंगे तो चले जाएंगे कपिड़ास, और इसके आगे मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ,
कि इतना आप समझ लीजिए कि अनुगुल से ना यहाँ पे बहुत ही बड़ा पूजा होता है, पूरा मार्केट इतना बड़ा, देखिए कितना बड़ा मार्केट। अभी तो मैं आधा शूट किया हूँ, आधा शूट भी नहीं किया हूँ क्योंकि अभी जाऊँगा बस स्टैंड की तरफ, और बस स्टैंड की तरफ भी मैं आपको दिखाऊंगा उधर में कैसा पूजा हो रहा है, और बहुत ही बड़ा पूजा हो रहा है। अनुगुल में तो उतना ज़्यादा कुछ नहीं लगा हुआ है, ये जो झूला वूला बोलते हैं बड़ा बड़ा सब, लेकिन यहाँ पे बड़ा बड़ा सब बहुत झूला लगा हुआ है, और हर एक चौक पे पंडाल बना हुआ है, हर एक चौक पे माँ लक्ष्मी का पूजा हो रहा है यहाँ पे। सो बरसात भी हो रहा है, मैं भीग भी रहा हूँ। अभी चलते हैं बस स्टैंड की तरफ, मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ, उसके बाद फिर हम घर निकलेंगे। फाइनली गाइज मैं अभी आ गया हूँ बस स्टैंड के पास, ढेंकानाल बस स्टैंड के पास, और देखो मेरे पीछे में क्या लिखा हुआ है, आई लव ढेंकानाल। और देखो कितना अच्छा जगह पे हम यहाँ पे बनाया है, और अनुगुल से जितना अनुगुल में पूजा रहा ना उससे यहाँ पे कम से कम 10 गुना ज़्यादा बड़ा लक्ष्मी पूजा हो रहा है। अभी देखा हूँ पूरा एक एक गली यहाँ पे लाइट लगा हुआ है, एक एक गली में। सो गाइज फाइनली अभी घूमते घूमते हम आ गए पार्क में, और ये पार्क अभी बंद था, ये 4 बजे खुलेगा, लेकिन मुझे यहाँ पे दे दिया है परमिशन घूमने के लिए। थोड़ा वीडियो में लगा दूंगा, देखिएगा साइड में मेरा एक हमशक्ल का आदमी यहाँ पे मिला है, पूरा डिटो टू कॉपी, पूरा हमशक्ल है मेरा, आप देखिएगा मैं आपको लगा दूंगा किसी तरफ वीडियो में, पूरा टू कॉपी। उन लोगों ने जब मुझे देखा ना तो आश्चर्य हो गया पूरा। फिर मुझे बुलाया भाई, बोला आओ थोड़ा आए, तो देखे पूरा सेम टू सेम पूरा टू कॉपी जैसे लग रहा है हम दोनों, सिर्फ वो थोड़ा मुझसे थोड़ा ज़्यादा हाइट है, नहीं तो बाकी पूरा फेस सेम है दोनों का। लग रहा है मैं कहाँ का हूँ, वो कहाँ का है, देखो मेरा हमशक्ल कहाँ पे आके है, पूरा फेस टू फेस है, आप देख लो अच्छा से फोटो को, फिर आपको पता लगेगा। यार तुझे जैसा कोई और तो सच्चा लगता नहीं, तुम मुस्कुरा दे तो हर खुशी दे दूं, तू जो कह दे तो जान भी दे दूं, राजा प्यार वाली कर ले लड़ाई। भाई ओ मेरे भाई, जिंदगी मेरी तुझ में समाई। बोल भाई लोग थोड़ा हमको इजाज़त दे दिया घूमने के लिए, बोले जाइए आप थोड़ा घूम घूम के, उसके बाद जाइएगा और पूजा वूजा भी घूम के जाओ अच्छा से। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, जो भी बोलो जिससे भी जो पूछता हूँ तुरंत बता देता है। सो फाइनली गाइज अभी पूरा ढेंकानाल का पूजा हम भूल के, और अभी निकल गया हूँ मेन रोड, ये देख लो NH 55 है, जहाँ से हम वीडियो स्टार्ट किए थे वहीं पर फिर आ गया हूँ, और यहाँ पे भी एक चौक में देखो पूजा हो रहा है ये देखो, और इधर में इसका लाइट वाइट देखो कितना लगा हुआ है लाइट सब, और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा 1 किलोमीटर आगे तक लगभग लगा हुआ है लाइट। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कितना ज़ोर शोर से ढेंकानाल में पूजा हो रहा है। सो अनुगुल का अगर कंपेरिजन करें तो अनुगुल इतना ज़्यादा अनुगुल में पूजा नहीं हो रहा है जितना ज़्यादा ढेंकानाल में तैयारी किया हुआ है लक्ष्मी पूजा का। अनुगुल में लगभग 12-15 किलोमीटर के अंदर में पूजा हो रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो रहा है। चलो मैं एक बार देखता हूँ गाड़ी में कितना किलोमीटर में बुला हूँ। ढेंकानाल में भी हम लगभग 17 किलोमीटर घूम लिए हैं, पूजा का वीडियो शूट कर लिए हैं, और बहुत जगह तो हम गए ही नहीं, जो गली गली सब था वहाँ तक वो सब में हम गए नहीं, जो मेन मेन जगह था मेन रोड के साइड में वो सब जगह ही देख के। और फिर चलिए अब निकलते हैं यहाँ से हम घर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपको, तब तक के लिए बाय बाय।